शिक्षा पर एक व्यंग में आपके बीच में एक हास्य की कविता रखता हूँ, आप मजे लेना जी। आजकल जो स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की, खासतौर से एक सरकारी योजना है मिड डे मील जी, मुफ्त भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, और उसमें खास बात यह होती है कि वो स्वादिष्ट होना चाहिए। बस यहीं से इसी भूमिका के साथ सुनिए, एक स्कूल का चित्र आपको दिखाता हूँ सरकारी स्कूल का, उसके बाद व्यंग शुरू करता हूँ। सुनिए, चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रखे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं, और सारे मास्टर मिलके खाना परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक पत्रकार बोले, मास्टर जी आप सुबह सुबह राशन लाते हैं, दिन भर उसे पकाते हैं, शाम तक ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? सही बात है। मास्टर जी बोले, अरे बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की चिंता तो हमें सताती है, लेकिन उससे बड़ी एक और चिंता हमें खाई जाती है कि खाना स्वादिष्ट नहीं बने तो अधिकारी तरह तरह की जांचों के गोले दाग जाते हैं, और खाना स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी के बच्चे घर भाग जाते हैं। तो पत्रकार बोले, फिर आप मास्टर क्यों बने? मास्टर जी बोले, इसकी भी बहुत करुण कहानी है भाई। बचपन में एक मास्टर था कसाई, हमारी बहुत करता था ठुकाई, और वस्तुतः बदला लेने की आग उसी ने हमारे सीने में भड़काई। अच्छा, वो मास्टर जी भी गजब कर गए, हम उनसे बदला लेने एक लायक बड़े हुए, उससे पहले ही मर गए। तो हमने भी कसम खाई कि हम भी बच्चों की उसी तरह से कहेंगे ठुकाई, हम भी बनेंगे कसाई। लेकिन भाग्य की विडंबना देखो भाई, जब हमारा नंबर आया बनने का कसाई, तो सरकार ने हमें बना दिया हलवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल हम शिक्षा और शिक्षण कार्य से कोसों दूर हैं, और स्कूल में गणित वाले मास्टर के नाम से नहीं, खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरीश जी। और इस बात का न हमें कोई शिकवा है न गिला है, आज ही हमें ग्राम प्रधान के बाप की तेरहवीं में मालपुए बनाने का ठेका मिला है।